कोई सुझे कहते हैं तीन नाम है उसके, चाहे गुरुदेव को भी आत्मा है, इसलिए गौ को भी आत्मा है, जो आपकी अंतरात्मा है, चेतन परम चेतन, वो नाम से भिन्न भिन्न है लेकिन एक ही कहते हैं। देवम पश्येत विदुर, उस देवता को देखे, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये शरीर को हम नीचे की डांडी बनाए और उसको सीधी करें, इसके बाद जो है जो मंत्र जाप है इसको हम ऊपर की लकड़ी बनाए मंत्र करना, इसके बाद ध्यान करें, जाप करें, प्राणायाम करें, सीधा पेट करके पेट को भरते आप अभ्यास करें, रोज करें, तो इससे जो आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो प्रकाश उत्पन्न होगा, स्वतः ही धीरे 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 आपका जीवन आलोकित हो जाएगा। यही ऋषि कहते हैं, तो ध्यान हो के मंत्र से ध्यान जरूरी है, अंतर्जा और ध्यान, अंतर्जा ध्यान हो के स्वाध्याय योगमासी लिखा है बोलते हैं, स्वाध्याय करे मंत्र का जाप करे तो ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो फिर मंत्र जाप करो, जाप करते करते थक जाए तो ध्यान करो, ध्यान के बाद जाप। जो 24 घंटे अनुसार की प्रक्रिया में रहते हैं उनके लिए नियम है, इसके बाद यदि अर्थ की भावना के साथ में जब नहीं करते हैं तो हमें अभिशाप नहीं होगा, इसलिए पतंजलि जी कहते हैं जपस तदर्थ भावना, अर्थ करना रहेगा उसको, अर्थ भावना से जाप करना चाहिए, तो सुमर सुमर कर उतराई पाप कृष्णदास जी कहते सुमर Oh.
Guru Ji.
Yeah.
Yeah.